पहले बच्चों नमस्कार, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस के ऊपर काफ़ी कुछ बात कर ली है। हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, और कोई भी वेक्टर स्पेस का जो सबसेट है वो कब वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम भी किया था, और उसी थ्योरम का इस्तेमाल हम हमेशा किसी भी सबसेट को, जो कि वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा, उसे सब स्पेस प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज स्टूडेंट्स हम लोग एक थ्योरम के विषय में बात करेंगे जो कि अलजेब्रा ऑफ वेक्टर स्पेस के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग दो वेक्टर सब स्पेस के इंटरसेक्शन को एक वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस। ओके, और ये जो रिजल्ट है ये आपको एक थ्योरम के फॉर्म में भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, और वो थ्योरम कुछ इस तरह से होता है, प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस आर वेक्टर सब स्पेसेस। ठीक है, इट मीन्स दैट कि अगर हमारे पास में दो वेक्टर सब स्पेसेस हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक वेक्टर सब स्पेस होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए जरा हम लोग इस रिजल्ट की शुरुआत करते हैं प्रूफ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेट W1 एंड W2 आर टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF, है ना। मतलब हमने वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेसेस मान लिए W1 और W2। नाउ W1 एंड W2 आर सब स्पेस सो जीरो वेक्टर सो जीरो वेक्टर दिस वन जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड दिस जीरो वेक्टर belongs to W2. So this implies that the zero vector belongs to W1 intersection W2. That is what? That is W1 intersection W2 is non-empty. Right? मतलब हमने पहले ये दिखा दिया कि क्योंकि जब W1 और W2 दोनों ही वेक्टर सबस्पेस हैं तो उनके अंदर जीरो एलिमेंट यानी जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में दोनों ही क्या हैं, ग्रुप हैं। इसीलिए उनमें प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो वेक्टर, वो रहेगा ही रहेगा। तो मतलब W1 में भी रहेगा और W2 में ही रहेगा, और दोनों में सेम ही आइडेंटिटी वेक्टर होगा जीरो वेक्टर। सो दैट्स वाई वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 नॉन एम्प्टी सबसेट है, राइट। अब हम इसको सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा कि जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किसी भी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए थ्योरम किया था, उसी की मदद से हम लोग आज फिर रिजल्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। एंड लुक, हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, लेट एनी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड W2, ठीक है ना। इट मीन्स दैट सॉरी, इस स्टेटमेंट को हम लोग यहां से इस तरह से लेंगे, हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि हमें इसे ही क्या प्रूफ करना है, वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है। तो हमने इसमें दो एलिमेंट्स ले लिए, अल्फा एंड बीटा। तो अगर इसमें ये दो एलिमेंट्स लेते हैं हम, तो अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W2। क्यों? क्योंकि अगर उनके इंटरसेक्शन में है दो एलिमेंट्स तो दोनों में इंडिविजुअल भी होंगे, राइट। नाउ फॉर एनी
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन. क्यों? क्योंकि डब्ल्यू वन इज सब स्पेस. क्योंकि W1 क्या है? सब स्पेस है. और सब स्पेस है तो वो वेक्टर सब स्पेस की जो कंडीशन होती है उसको भी पूरा करेगा. ठीक है ना. एंड एंड फॉर एनी, अगेन फॉर एनी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ यानी फील्ड एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W2 इंप्लाइज दैट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W2. क्यों? क्योंकि W2 भी क्या है? एक सब स्पेस है. मतलब ये हुआ कि हम जो अल्फा बीटा W1 और W2 में लेके चले थे वो W1 में और W2 दोनों में ही थे. अब क्योंकि ये दोनों ही सब स्पेस हैं तो कोई भी दो स्केलर अगर हम ले फील्ड के तो उनके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है A अल्फा प्लस B बीटा ये W1 में और W2 दोनों में ही होगा. इट मीन्स दैट कि जो अल्फा बीटा हम W1 इंटरसेक्शन W2 में लेके चले थे उनके करस्पॉन्डिंग ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में भी आ गया और W2 में भी आ गया है. सो फॉर एनी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड and a comma b belongs to f implies that a alpha b beta belongs to w1 intersection w2, right? It means what? It means that so hence w1 intersection w2 is subspace of vf, right students? Vector subspace of vf. मतलब कि W1 इंटरसेक्शन W2 भी वेक्टर सब स्पेस बन गया है. हमें केवल शुरुआत यहाँ से करनी थी कि दो एलिमेंट्स लेने थे W1 इंटरसेक्शन W2 में और दिखाना था कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. और यही कंडीशन किसी भी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस को सब स्पेस दिखाने के लिए जरूरी होती है. तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस रिजल्ट को प्रूफ किया. तो इस तरह से बच्चों किन्हीं भी दो वेक्टर सब स्पेसेस के इंटरसेक्शन को भी वेक्टर सब स्पेस प्रूफ किया जा सकता है. बहुत ही आसान प्रूफ है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दूसरे थ्योरम के ऊपर बात करेंगे आज इसी टॉपिक में. एंड दैट टॉपिक इज द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस. तो थ्योरम है स्टूडेंट्स, थ्योरम का स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग सबसे पहले और फिर इसके प्रूफ के ऊपर बात करते हैं. थ्योरम का स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स कि अगर W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ VF यानी वेक्टर स्पेस के दो सब स्पेसेस हैं देन प्रूव दैट W1 यूनियन W2 इज द वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF इफ एंड ओनली इफ W1 कंटेन इन W2 और W2 कंटेन इन W1. मतलब कि दो वेक्टर सबस्पेसेस का जो यूनियन है वो वेक्टर सबस्पेस तब होता है जब पहला सबस्पेस दूसरे में हो या फिर दूसरा सबस्पेस पहले में कंटेन करता हो. तो ये इफ एंड ओनली इफ में है, मतलब दोनों तरफ से हमें प्रूफ करना पड़ेगा. तो आइए जरा हम लोग इस थ्योरम का प्रूफ शुरू करते हैं और शुरुआत में हम लोग यहां से लेते हैं कि शुरुआत ये करते हैं लेट W1 contain in W2 और W2 contain in W1. मतलब पहले हमने ये मान लिया और अब हम ये दिखाएंगे कि इनका जो यूनियन है वो एक सब स्पेस है. तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये मान के चलते हैं कि W1 is a subset of W2 तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे. क्या? इस तरह से. ओके,
Now, if W1 is a subset of W2, it implies that W1 union W2 is a subset of, sorry, is equals to W2, है ना? अगर ये W1 इसका सबसेट है, तो इन दोनों का जो यूनियन है, वो W2 के इक्वल होगा. And if W2 is a subset of W1, implies that W1 union W2 is equals to W1. और ये फिर W1 के इक्वल हो जाएगा यूनियन. और in both cases, W1 union W2 is subspace. ठीक है ना? Subspace. Since W1 and W2 are subspaces. ठीक है ना? और दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? W1 union W2 subspace होगा. मतलब कि अगर W1 contain in W2 और W2 contain in W1, तो ऐसी स्थिति में W1 union W2 हमेशा ही वेक्टर सबस्पेस होगा, क्योंकि W1 और W2 का जो यूनियन है वो दोनों ही स्थिति में या तो W1 के इक्वल होगा या W2 के इक्वल होगा. और ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो यूनियन है वो सबस्पेस बन जाएगा. क्यों? क्योंकि W2 भी सबस्पेस है और W1 भी सबस्पेस है, राइट? तो इस तरह से अगर ये कंडीशन होती है कि इन दोनों में से कोई एक दूसरे में कंटेंड होता है, तो W1 यूनियन W2 हमेशा सबस्पेस होगा. तो हम लोगों ने अभी ये लेके चला और यूनियन को सबस्पेस दिखाया. अब उल्टा लेके चलेंगे, कन्वर्सली क्या लेके चलेंगे स्टूडेंट्स? कन्वर्सली में हम लोग ये कन्वर्सली में लेट W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस, ठीक है ना? देन वी शो, तो हम लोग क्या दिखाएंगे? देन वी शो W1 इज ए सबसेट ऑफ W2 और W2 इज ए सबसेट ऑफ W1. इन दोनों में से कोई एक चीज दिखाएंगे हम लोग. अब नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग उल्टा लेके चलेंगे. लेट अस सपोज, लेट कॉन्ट्राडिक्शन क्या? W1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W2. मान लिया, हमें यह दिखाना था लेकिन हम उल्टा मान लिए कि नहीं है ये सबसेट. तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट अल्फा belongs to W1 such that this alpha does not belongs to W2, है ना? मतलब अगर ये इसका सबसेट नहीं है, इट मींस दैट के W1 में एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होगा ना जो कि W2 में ना हो, क्योंकि अगर सबसेट होता तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक एलिमेंट अल्फा ऐसा जरूर होगा जो कि W2 में नहीं होगा. एंड W2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W1, इट मींस दैट देयर एग्जिस्ट अ बीटा बिलोंग्स टू W2 such that this beta does not belongs to W1. अब इसको एक रखिए और इसको दो रखिए. मतलब कि हमने उल्टा माना था. क्या माना है? कि ये इसका सबसेट नहीं है और ये इसका सबसेट नहीं है. तो एक अल्फा ऐसा होगा जो कि W2 में नहीं होगा और एक बीटा ऐसा होगा जो W1 में नहीं होगा. अगर इनमें से कोई एक भी हम गलत दिखा पाते हैं तो ये चीज भी गलत हो जाएगी. इसका मतलब ये अपने आप ही हो जाएगा. नाउ अब आगे बढ़ते हैं. लुक, क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा इसमें और इसमें अलग अलग नहीं थे, बट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 में, है ना? लेकिन अल्फा बीटा जो है W1 यूनियन W2 में जरूर होंगे. नाउ दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2. क्यों? बिकॉज W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस.
राइट, और डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू सब स्पेस है, इसलिए उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन जो लॉ होता है वो फुलफिल होगा, तो ये कंडीशन इसमें पूरी हो गई। एंड नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लुक अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू वन यूनियन डब्ल्यू टू में आ गया है, इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट alpha plus beta belongs to W1 or W2। मतलब ये जो alpha plus beta है या तो W1 में होगा या W2 में होगा। Now, if alpha plus beta belongs to W1, अगर हम ऐसा मान के चलें कि ये alpha plus beta W1 में है, तो this implies that, क्या implies करेगा? This implies that अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस, माइनस क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू वन में, डब्ल्यू वन में बीटा नहीं है, मतलब डब्ल्यू वन में बीटा नहीं है लेकिन सारे जो हैं वो अल्फा हैं, राइट, बीटा नहीं है केवल लेकिन सारे अल्फा क्या हैं, डब्ल्यू वन में है। ये देखिए अल्फा डब्ल्यू वन में है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू वन में है तो अल्फा प्लस बीटा में से हम इस अल्फा को माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट W1 का है, अल्फा भी W1 का है, तो उनका जो माइनस है यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, एक तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्लस एंड माइनस अल्फा, मतलब कि अगर अल्फा है तो उसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी W1 में होना चाहिए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा W1 में है और क्योंकि अल्फा का एडिटिव इन्वर्स भी W1 में है तो उनका जो सम होगा वो भी W1 में होना चाहिए, इज इक्वल्स टू, और इसका सम कितना आएगा, बीटा, ये W1 में होना चाहिए, ठीक है ना। इट मीन्स दैट कि बीटा W1 में आ गया, जबकि हम क्या मान के चले थे कि बीटा तो W1 में है ही नहीं, ठीक है ना, बिकॉज W1 इज सब स्पेस, ठीक, सब स्पेस है इसलिए उसमें ये वाली कंडीशन होल्ड होगी, है ना, कि अगर हम ये मान के चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा आ जाएगा और डब्ल्यू वन में आ जाएगा। एंड इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस एंड माइनस बीटा, क्योंकि डब्ल्यू टू में क्या है, बीटा है, तो इसका मतलब हुआ उसका एडिटिव इन्वर्स भी W2 में होगा, तो उस एडिटिव इन्वर्स, और क्योंकि ये भी W2 में है तो इनका जो सम है इज इक्वल्स टू अल्फा, वो भी W2 में होना चाहिए क्योंकि W2 इज ए सब स्पेस। और जरा ध्यान दीजिए, ऐसी स्थिति में क्या हो गया है, ऐसी स्थिति में बीटा W1 में आ गया है जो कि बीटा W1 में नहीं था, अल्फा W2 में आ गया जबकि अल्फा W2 में नहीं था। तो अगर हम ये मान के चलते हैं और W1 यूनियन W2 को सबस्पेस मान के चल रहे थे तो ऐसी स्थिति में हम कॉन्ट्राडिक्शन रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन गलत हो रही है। सो इट मीन्स दैट, सो दिस इंप्लाइज दैट आर अज्यूम्शन इज रॉन्ग, आर अज्यूम्शन इज रॉन्ग, एंड so that and so that W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये दिखाया कि अगर दो सबस्पेसेस का यूनियन एक सबस्पेस हो तो ऐसी स्थिति में W1 को W2 में या W2 को W1 में कंटेन करना ही पड़ेगा, और ये इफ एंड ओनली इफ में चलेगा, मतलब ये होगा तो ये होगा और ये है तो ये जरूर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज दो थ्योरम्स देखे, एक हम लोगों ने दो सबस्पेसेस के इंटरसेक्शन को एक सबस्पेस प्रूफ किया, एंड दूसरा यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस को हम लोगों ने सबस्पेस प्रूफ किया कुछ खास कंडीशन के साथ में। तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इन दो थ्योरम्स के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर स्पेस के नए लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ में आपके सामने फिर होंगे। Thank you very much for watching this video.